कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने गुरुवार को एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। खचाखच भरी अदालत में खुद अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातें रखी। केजरीवाल ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को मिले चंदे का मुद्दा उठाते हुए कहा, ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है और उगाही करना है। ईडी की तरफ से पेश हुए एसएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की रिमांड एक सप्ताह बढ़ाने की मांग करते हुए अपनी दलीलें खत्म की तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत से अनुमति लेकर अपनी बातें रखनी शुरू की। उन्होंने कहा, ये केस 2 साल से चल रहा है, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, अभी तक मुझ पर कोई आरोप नहीं है, कोई दोष साबित नहीं हुआ, अभी तक 31,000 पन्ने कोर्ट में रखे गए हैं, बहुत से बयान दर्ज किए गए हैं, मेरा नाम 4 ही बयानों में है। इस पर कोर्ट ने कहा, जो आप बोल रहे हैं क्या उसे लिखित में दे सकते हैं, हम इसे रिकॉर्ड में लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे बोल लेने दें। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के पूर्व पीए सी अरविंद के बयान में आए उनके नाम को लेकर कहा, उन्होंने कहा, मेरी मौजूदगी में दस्तावेज दिया गया, बहुत से लोग मुझसे मिलने आते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, क्या ये एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कारण है। केजरीवाल के इस बयान पर एसवी राजू ने आपत्ति जताई, जिस पर केजरीवाल ने कहा, राजू साहब मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे बोल लेने दें। केजरीवाल ने मंगूटा श्रीनिवास सुल्लू रेड्डी का जिक्र करते हुए कहा, जब तक उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया उनके बयान एक जैसे रहे, इसके बाद उन्होंने अपना बयान बदल लिया और अगले कुछ दिनों में उनके बेटे रिहा कर दिए गए। केजरीवाल ने कहा कि ईडी का मिशन केवल उन्हें फंसाना है। आम आदमी पार्टी प्रमुख ने कहा कि यदि 100 करोड़ का घोटाला है तो रुपया कहाँ है, असली घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ है। ईडी के 2 ही मकसद हैं, एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना, दूसरा वसूली रैकेट चलाना, इसके जरिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। शरद रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दिए हैं, मेरे पास सबूत है ये रैकेट चल रहा है, मनी ट्रेल स्टैब्लिश है। उन्होंने बीजेपी को 50 करोड़ रुपए गिरफ्तारी के बाद दिए। केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता हूं, जो कोर्ट ने अलाउ किया और उन्होंने बताया डिटेल में कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है, और कोई एविडेंस नहीं है, एक गवाह का बयान है या जैसे भी है। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को एज सच अपोज नहीं करता हूं और जितना भी आप ये चाहें मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। उसके बाद हमने जैसा आपको कहा कि ये हम जो कह रहे हैं कोऑपरेट करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो ग्राउंड इनके लिखे हैं उनको मान रहे हैं, इनके ग्राउंड जो है वो हम अपोज कर रहे हैं कि इनके इन ग्राउंड्स पर पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता, पर हमारा क्लाइंट खुद कह रहा है कि मैं पुलिस रिमांड दे दो, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, इसलिए शायद अब जज साहब ऑर्डर करेंगे। केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि जो जिस गवाह के बयान पर आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, उस गवाह ने 50 करोड़ के जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे बीजेपी पार्टी को दिए हैं और उसके बाद उसकी बेल होने के बाद दिए हैं, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, क्या इस बात पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? तो आज यही बात है। बता दें, इससे पहले अदालत में पेशी के दौरान सीएम केजरीवाल ने एलजी के उस बात का जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चलेगी। पेशी के वक्त जब पत्रकारों ने केजरीवाल से एलजी की बातों को लेकर सवाल किया तब सीएम केजरीवाल ने कहा, ये एक राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। What would you like to say on this? LG कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी।